करनाल की मंडी में किसानों की धान की खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे किसान और आढ़ती उखड़ गए हैं। आपको बता दें कि किसानों और आढ़तियों ने करनाल के मार्केटिंग बोर्ड के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान रोष स्वरूप कार्यालय को बंद कर दिया गया। किसानों ने भारी हंगामे के साथ मार्केट कमेटी के दफ्तर पर ताला लगा दिया। किसानों और आढ़तियों का कहना है कि ना बारदाना है ना राइस मिलर्स है। ऐसे में गत दिवस भी जो प्रशासन की तरफ से खरीद की गई है उसका उठान भी अभी तक नहीं हुआ है। किसान और आढ़ती जाए तो जाए कहां। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं किसानों ने यह भी कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि आढ़ती अपनी मांगों को लेकर मंडी में इकट्ठा हुए हैं और सरकार से बारदाना व अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं, परंतु प्रशासन की ओर से कोई भी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। मजबूरन उन्होंने यह कदम उठाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं किसान मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आप यहाँ किस करके बैठे मंडी में जाओ। आपने जय जय किया यूपी बंद, आपने जय जय लिया मंडी का कि कोई टोल क्यों नहीं लगे, आप फिर यूपी बंद कर दी किसानों की। अरे यूपी बंद कर दी या तो आप अपनी बोल दीजिए, मुख्य मारने मार दीजिए, लेकिन मेरी बात सुनो ने सब कुछ सुना भाई सुना सुन ली हमने बहुत सुन ली। तीनों एजेंसियों को बुलाया था भैया, तीनों एजेंसियां फील्ड में चली गई हैं, अपने अपनी प्लेटी बांट दी उनकी, तीनों डोर टू डोर जाएंगी जीरी चेक खट्टर सरकार बीजेपी धन चुकाला खट्टर सरकार। कल से खरीद शुरू हुई है, कल से पहले पर्चे में और 35 क्विंटल मैसेज कैसे भेज दिया जितने भी किसान आए हुए थे उनके पीआर धान अब तक ना तो कोई सरकारी कर्मचारी गया ना कोई दफ्तर का आदमी पहुंचा। जो धान कल खरीदा था वो धान भी ऐसे कैसे पड़ा, ना तो बारदाना है ना कोई खरीदने वाला है। कल होक्स फ्री बोली करवा के एक बार दिखा दिया कि भाई धान का काम शुरू हो गया है, लेकिन धान वैसे का वैसे ही पड़ा हमारा। अधिकारी कह रहे हैं तीनों एजेंसी भेज दिए हैं। अच्छा वो एजेंसियाँ वो गई हैं जो अपना 17 महोत्सव का धान होगा उसका भी उठान नहीं होगा बिल्कुल भी किसी की मतलब उठान नहीं। दिक्कत कहाँ आ रही है, राइस सेलर्स नहीं आ रहे हैं ना तो राइस मिलर आ रहे हैं, दिक्कत ये भी आ रही है। और जो इन्होंने शेड्यूल निकाला ना बार बार शेड्यूल निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हरियाणा का शेड्यूल निकाल रहे हैं, एक एक क्विंटल का शेड्यूल निकाल रखा है। क्या किसान ट्रैक्टर ट्राली बंद कर दे, ई रिक्शा में लेके सामान आए अपना एक क्विंटल धान। आज कहाँ पहुँचे थे आप? आज हम कमेटी में आए थे। तो क्या निकला यहाँ कमेटी में? हम रिक्वेस्ट करने आए थे जो धान पड़े उसको खरीदो। वो कह रहे हैं कि अभी हमने भेज दिया पार्टी, अब टाइम देखो कितने बजे का, सुबह 8 बजे से अब तक मंडी में नहीं पहुंची। जब यहाँ पब्लिक आनी शुरू होगी तो इन्होंने पार्टियाँ निकाल दी। आपका नाम? महेंद्र सिंह।
आढ़ती इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी जीरी शेड्यूल के अनुसार लेने की वो कर रहे हैं। हमारे को पोर्टल का स्टूल का हमारे को नहीं पता क्या पोर्टल स्टूल हो, हमारी तो जीरी सीधी खेत से आती आ रही है, ये मंडी में आती है, तो उस भी आप इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो जाएगा। समझाया गया फिर किसान समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं हो जाएगा सेटिंग। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.